चले जी, हमने अपने जॉगर्स पहन लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ अपनी क्लास लेने। हुआ था कि वेट मुसलसल बढ़ रहा था और समझ नहीं आ रही थी, खाना मेरा वैसा ही था, घर का मैं सारा काम खुद करती हूँ। मैं दिखाऊंगी, तो ये मेरा अपना बेडरूम है, अब मैं इसकी बेडशीट चेंज करूँगी और सारा कमरा साफ़ करूँगी। गर्मी हो गई स्टार्ट, वही मैं थोड़ी सी। गुड बॉय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी डेली की रूटीन। तो सुबह सबसे पहले मैं उठी, मैंने रियान के लिए नाश्ता बनाया और मेरी जो ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टास्क है, रोज़ रियान को सुबह स्कूल के लिए उठाना, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। रियान उठ जाए, रियानी उठ जाओ। अब जी रियान रेडी हो गया स्कूल के लिए और ये स्कूल जा रहा है और सुबह इसका मूड शदीद ऑफ होता है, इसका दिल होता है कि इसके साथ कोई बात न कीजिए, इसको अल्लाह हाफिज़ करके मैंने अपना काम स्टार्ट। हाँ जी, तो अब हमारा टाइम हुआ जाता है पौधों को पानी देने का। ये सुबह की रूटीन है मेरी जी कि रियान अब स्कूल चला गया है, सबसे पहले आपको दिखाया, नाश्ता बनाया, रियान को स्कूल भेजा, अब मेरा दिन शुरू हुआ है। जब मैं घर की सफाई करने लगी हूँ, सबसे पहले यहाँ पौधों को पानी लगाऊंगी, उसके बाद अपने बाकी काम करूँगी। आज मैंने सोचा आपको बताया जाए अपनी डेली रूटीन कि मैं सारा दिन, मेरा दिन किस तरह गुजरता है और क्या क्या काम है। तो अभी पौधों का टाइम है पानी का, आपको पता है गर्मी हो गई है, सुबह पानी लगाएं, शाम को फिर वैसे ही खुश्क हो जाते हैं कि अब पौधों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारा लॉन है छोटा सा और हमने इस पर थोड़े से पौधे लगाए हुए हैं, अब मैं इनको अच्छी तरह पानी लगाऊंगी, उसके बाद सारा अपना फ़र्श धोऊंगी। मुझे असल में पानी बहुत पसंद है, सुबह सुबह सारा पानी से हर चीज़ धोनी, ये आप समझ लें मेरी फेवरेट हॉबी है। इस वक्त जो परिंदों और चिड़ियों की आवाज़ होती है ना सुबह, मेरा गला नहीं ठीक हो रहा जी, अगर किसी के पास कोई रेमेडी है गला ठीक करने के लिए तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कि मुझे एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, दवाई मैंने कोई भी नहीं ली लेकिन मेरी खांसी नहीं ठीक हो रही, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, दवाई के बग़ैर कोई ऐसा टोटका बताएं कि मेरी खांसी ठीक हो जाए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, मैं अंदर घर की सारी सफाई करूंगी अपने घर की, थोड़ा थोड़ा आपको घर भी दिखाऊंगी साथ साथ। बिल्कुल एक सिंपल सा घर है मेरा, बड़ा है माशाल्लाह लेकिन सिंपल है। उसके बाद मैं आपको अपने सारे दिन की रूटीन बताऊंगी कि मैं अपना दिन किस तरह गुजारती हूँ और मेरे क्या क्या काम होते हैं। लोग मुझे कहते हैं, मेरी फैमिली छोटी है तो अक्सर लोग कहते हैं कि आप सारा दिन क्या करती हैं, आप तो बोर होती होंगी। मैं कहती हूँ मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं चलता कैसे दिन शुरू होता है और कैसे ख़त्म हो जाता है, कि मुझे इतने काम होते हैं डेली। अब जी मैंने गार्डन को पानी लगा दिए सारा, अब मेरा है जी फ्लोर वॉशिंग, अब मैं सारा फर्श धोऊंगी। ये देखें यहाँ से हमारा ये है गार्डन और ये सामने है हमारा घर और ये मेरी रोज़ की प्रैक्टिस है, यहाँ से लेके पूरा ये फ्लोर वॉश करना, उसके बाद अंदर जाके मैं काम करती हूँ। अब मैं बाहर साफ़ कर रही हूँ, अब मैंने सोचा आज बेडशीट चेंज की जाए सारी, पहले एक रूम की है अब अपने रूम की करने लगी हूँ, उसके बाद मैं अपना घर बारी बारी सारे रूम्स की सफाई करूँगी और थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊँगी। तो ये मेरा अपना बेडरूम है, अब मैं इसकी बेडशीट चेंज करूँगी और सारा कमरा साफ़ करूँगी। गर्मी बहुत हो गई है, मौसम बदल गया है, अब थोड़ा सा काम करें तो पसीना आना फ़ौरन शुरू हो जाता है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये जी मैंने बेडशीट चेंज कर ली, हमारा रूम डन हो गया, अब मैं आपको दूसरा कमरा दिखाऊंगी, थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग दिखाऊंगी जैसे जैसे मैं सफाई कर रही हूँ। तो ये हो गया जी रूम की क्लीनिंग, बेडशीट चेंज कर ली और अपना कमरा सफाई कर ली अपने कमरे की। ये हो गया जी हमारा डन, अब हम जाएंगे नेक्स्ट रूम की तरफ।
तो ये जी अब मैं ड्राइंग रूम में आई हूँ, अब मैं यहाँ से ये सारा साफ़ करूँगी। देखने में तो आप लोगों को नीट लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब में रूम थोड़ा गंदा है। तो अब मैं यहाँ से करूँगी सारी सफाई और उसके बाद मैंने जाना है बाहर। थोड़ा सा मेरा काम है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कहाँ जाती हूँ, इसके बाद मेरी किस चीज़ की क्लास होती है। ये क्लीन करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये रियान के बचपन की पिक्चर है, जब रियान 6 मंथ का था। तो जी अब मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ और अब मैंने निकलना है। अभी सुबह के हो गए हैं जी, 10 बजे हैं और मेरी क्लास है। और मैं बता रही थी आपको कि मैं बताऊँगी कि मैं किस चीज़ की क्लास लेती हूँ। जी मैं एरोबिक्स की क्लास लेती हूँ। अभी मैं जाऊँगी तो वहाँ का भी थोड़ा सा आपको दिखाऊँगी। और दूसरी बात यह है कि जब आपके गोडे गिट्टों में दर्द शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। मेरे साथ भी यही हुआ था कि वेट मुसलसल बढ़ रहा था और समझ नहीं आ रही थी। खाना मेरा वैसा ही था, घर का मैं सारा काम खुद करती हूँ, मैंने कोई मेड नहीं रखी हुई, लेकिन उसके बावजूद मेरा वेट बढ़ रहा था और बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, जिसकी वजह से मेरे घुटनों में दर्द और ये सारे मसाइल शुरू हो चुके थे। तो उसके लिए फिर मैंने तकरीबन 2 महीने हो गए मैं ये एरोबिक्स की क्लास ले रही हूँ और मैंने अच्छा खासा वेट लूज़ भी कर लिया है। किसी दिन अगर आप लोग को इंटरेस्टेड हुए तो मैं आप लोगों के साथ अपना वेट लॉस जर्नी शेयर करूँगी कि मेरी डाइट क्या है और मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ और क्या क्या करती हूँ मैं वेट कम करने के लिए, क्या रूटीन है जिसकी वजह से मेरा वेट कम हुआ है। तो अभी मैं वो क्लास के लिए रेडी होने लगी हूँ, मैं फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। चले जी हमने अपने जॉगर्स पहन लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ अपनी क्लास लेने। फिर मैं आपको मिलती हूँ अपनी एरोबिक्स की क्लास में। आते हैं चलिए जी, मैं जहाँ पे क्लास लेती हूँ मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊँगी। हो गई स्टार्ट भाई, मैं थोड़ी सी फेस नहीं लाती, बेफिक्र रही। ये है अस्सलाम वालेकुम। अब मैं बना रही हूँ जी खाना। अब मेरा खाना बनाने का टाइम हो गया। अभी मैं वो क्लास लेके वापस आई हूँ और आज रियान साहब ने फरमाइश की थी कि मामा बिरयानी बनाएं, क्योंकि उसकी फेवरेट जो डिश है वो बिरयानी है। तो बस अब मैंने मसाला बना लिया है और अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ और जब बन गई तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। साथ बनाया है जी मैंने बिरयानी के रायता, क्योंकि रायते के बगैर बिरयानी नामुकम्मल है। तो अब जी दिन का टाइम हो चुका है, बस थोड़ी देर में मेरा खाना बन जाएगा और फिर रियान स्कूल से आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारी शाम की रूटीन में आपके साथ शेयर करूँगी कि शाम को मेरा टाइम कैसे गुजरता है। तो जी हमारी मज़ेदार बिरयानी बन चुकी है। अभी थोड़ी देर में रियान स्कूल से वापस आएगा और फिर हम लोग खाना खाएंगे। मैं क्लास लेके आई थी, मैंने आपको बताया, फिर मैंने खाना बनाया है और अब फिर हम थोड़ी देर खाना खाने के बाद रेस्ट करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा शाम को टाइम रियान स्कूल की पढ़ाई करता है, अपना काम वगैरह करता है, और थोड़ा सा टाइम मैं आगे देखेंगे कि किसके साथ स्पेंड करती हूँ। तो जी ये हमारा पेट है जैक, इसका नाम है। इसकी वीडियो पहले भी मैंने एक बनाई थी और आप लोग को ही दिखाया था। अब थोड़ा सा शाम को मैं टाइम इसके साथ गुजारूंगी। मेरा व्लॉग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। गुड बॉय जैकी, गुड बॉय, गुड बॉय। ऐसे आराम से बैठा हुआ है, सुकून मिल रहा है जैक को। क्या क्या देख रहे हैं? गुड बॉय, गुड 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 गुड। दांत नहीं मारना अपने, बस मुंह पीछे रखना। शाबाश,
टू मसाज करें, हेड मसाज करें, हैं हेड मसाज करें, रहे जैक का ऐसे करें, ऐसे 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 मजा आ रहा है जैको। पम पम गुड बॉय, ये ठीक है जैकी पैकी। क्यों नहीं आ रहे थे इधर, क्यों नहीं आ रहे थे इधर, बात नहीं सुन रहे थे मेरी क्यों? नहीं नहीं अपने आप मुंह बंद रखें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये हमारा जैक के साथ टाइम है जी, जैकी के मसाज का। चिट्टी मुंह बंद रखो, मुंह पीछे, चलो बस हो गई, कुछ नहीं है और खत्म।